करवा चौथ तक शीशे जैसी चमकदार स्किन अगर चाहते हो तो आज से ही इसे लगाना शुरू कर दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन ई कैप्सूल को आप अपनी स्किन पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, किसी भी चीज को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर कोई चीज हमें फायदा देती है तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, नुकसान भी कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज की अति जो है बुरी होती है, तो बहुत ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है इसे खाने में। स्किन पे आप लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत सारे तरीके इसके बताए हैं, बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, तो उसी तरह से कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि आप किस तरह से विटामिन ई के कैप्सूल को यूज करते हो अपनी स्किन के लिए, तो हमें भी बताइए। करवा चौथ आ रही है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल है, दाग धब्बे हैं। तो जी हाँ, विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। फेस पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, ओपन पोर्स की समस्या है, हर तरह की समस्या को ये क्योर करता है। क्यों? क्योंकि भाई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है और ये हमारी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है, समय के अकॉर्डिंग हमारी स्किन से जो खोने लगता है। मतलब ऐसे तो हमारी स्किन में नेचुरली होता है, खान पान का बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये चीज तो मैं आपको बोलती ही हूँ। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो कोलेजन प्रोडक्शन हमारी स्किन में थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो हमारी स्किन जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है तो झुर्रियां, फाइन लाइंस, रिंकल्स लटकना शुरू हो जाती है स्किन। तो वो सारी चीजें तभी होती हैं जब हमारी स्किन में वो कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है। अब बच्चों की स्किन कितनी अच्छी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम, मतलब टाइट सी स्किन और कोई दाग धब्बे नहीं, एकदम क्लियर होती है, क्योंकि बच्चों की स्किन में कोलेजन भरपूर मात्रा में होता है। फिर उम्र बढ़ेगी तो वो घटेगा, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा में अपनी स्किन में वो कोलेजन ऐड करना पड़ता है। उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कि आप विटामिन ई के कैप्सूल्स का इस्तेमाल करें। साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है खाने में। आप लोग, क्योंकि देखिए, जब तक हम किसी चीज को अंदर से क्योर नहीं करेंगे, खान पान में अच्छी चीजें नहीं खाएंगे, तब तक बाहर से आप जो मर्जी लगा लीजिए लेकिन फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ तरीका। खान पान के लिए मैं बता दूं कि फ्रूट्स आपको डेली खाने हैं, खूब सारा पानी पीना है, जंक फूड नहीं खाना है, जो आप बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें कुछ नहीं खानी है, हेल्दी फूड खाइए। देखिए, स्वस्थ भी रहेंगे, स्किन भी अच्छी होगी, बाल भी अच्छे होंगे और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बीमारियां नहीं होंगी, हर चीज अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, अभी के लिए विटामिन ई के कैप्सूल को आपको किस तरह से यूज करना है। देखिए, कुछ लोग इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में जब अच्छी क्वांटिटी में ये जाएगा तो, क्योंकि देखिए हर एक चीज की हमारी बॉडी को नीड होती है। जो हम खाना खाते हैं उसमें भरपूर मात्रा में हमें जो मिनरल्स, प्रोटीन्स, जो भी हमारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा मतलब कुछ ऐसा खाना पड़ता है। तो मैंने सबसे अच्छा सोर्स आपको बताया था बीज, पांच तरह के या सात तरह के, मैंने अपने पास सात तरह के मिक्स किए हैं, आपको मैंने दिखाया भी था, वीडियो आपके साथ शेयर किया है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखना, बहुत फायदेमंद ये चीज होती है। उसी से आप मुझसे पूछते भी हो कि आपके बाल अच्छे कैसे हैं, काले हैं, स्किन अच्छी है तो क्या है राज, तो ये है राज। और ये जो आपके बीज है ना, इनमें हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये जो आपकी कोलेजन वगैरह हर तरह की समस्याओं को ये खत्म कर देता है। स्पेशली जो हमें बालों की झड़ने की समस्या हो जाती है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर अगर वो पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं है तभी हमें ये समस्याएं होती हैं। तो एक तो काम आप वो भी कर सकते हो, बस सिंपल एक चम्मच आपको वो खाने होते हैं और कुछ नहीं करना है, हेल्थ भी अच्छी रहती है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, बीपी के लिए अच्छे हैं, आपके डायबिटीज के लिए अच्छे हैं, हर तरह की बीमारियों के लिए अच्छे हैं और बालों और स्किन को भी अच्छा कर देंगे, तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए। चलिए अभी के लिए, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है ना, लॉन्ग वीडियो फिर आप भी देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि कुछ एक लोगों का होता है कि बेचा विटामिन ई के बारे में बता रही है तो वही फटाफट से बताए, लेकिन देखिए ओवरऑल नॉलेज होना जरूरी होता है, क्योंकि जो भी चीज हम खा रहे हैं, जो भी चीज हम अपने चेहरे पे लगा रहे हैं उसके बारे में जब तक हमें पता नहीं है तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। हर किसी को हर तरह की चीज सूट नहीं करती, मान लीजिए मुझे सूट कर रही है, पर जरूरी नहीं है आपको भी वही फेस पैक सूट करना शुरू हो जाए। तो आपको क्या करना होता है कि आपको अपनी स्किन टाइप को जानना होता है, पैच टेस्ट करना होता है कि अच्छा इन सारी इंग्रेडिएंट से हमें किसी तरह की एलर्जी नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए कच्चा आलू कई बार कुछ लोगों को तो बहुत इंस्टेंटली रिजल्ट देता है, एकदम से दाग धब्बों को लाइट कर देता है, लेकिन कुछ एक लोगों को इचिक होती है उससे,
उनको खुजली होना शुरू हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, तो उनको वो सूट नहीं कर रहा है, उनको यूज नहीं करना चाहिए। तो आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं, आप खीरे का जूस ट्राई कीजिए, ठंडा भी होता है और सेम आलू के रस की तरह ही आपको फायदा भी देता है। तो ऐसी होती है चीजें। एंड चलिए अभी के लिए हम विटामिन ई की बात कर रहे थे, तो विटामिन ई के कैप्सूल को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, देखिए मेरे हाथ में ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ईजिली मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, आई थिंक 20-25 रुपए का ये पैकेट आता है, तो आप पता कर सकते हो मतलब आपके एरिया में मिल जाएगा। एंड क्या करना है आपको, जैसे किसी की आईब्रोज बहुत ज्यादा पतली पतली हैं, आप अपनी आईब्रो को घना करना चाहते हैं, डार्क सर्कल, मुझे क्योंकि मोस्टली डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, एडिटिंग करती हूँ, लेट नाइट सोती हूँ इस वजह से, और देखिए रेमेडीज भी तभी असर देंगी जब आप स्ट्रेस को दूर भगाओगे, प्रॉपर नींद लोगे, प्रॉपर खाना जो आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए वो खाओगे, पानी पियोगे, तभी तो असर करेगी। बाहर से लगाते रहोगे, अंदर से खाओगे पियोगे नहीं, अपनी ध्यान नहीं रखोगे, तो फिर थोड़ा तो दिक्कत आएगी ना। तो जब भी मुझे बहुत ज्यादा बढ़ जाते तो मैं क्या करती हूँ वो देखिए, सबसे पहले इस तरह से मैंने ये लिया और यहाँ पे डार्क सर्कल्स के ऊपर मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूंगी, आईब्रोज के ऊपर अप्लाई करती हूँ, फेस के ऊपर आपको दाग धब्बे हैं आप इस पर भी डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, उनको भी मैं बताती हूँ कि उनको क्या करना है। ये जिन लोगों की ड्राई स्किन है ना, उनके लिए तो बस रामबाण इलाज है, इसी तरह से आप लगा लीजिए। एंड जिन लोगों को झाइयां हैं, तो झाइयां जैसे यहाँ चिक्स के एरिया पे हो जाती हैं, हमें नोज एरिया पे हो जाती हैं, यहाँ यहाँ माउथ के अराउंड, तो यहाँ पे आप लगाइए, अच्छी तरह से इसे मसाज कीजिए। और ये जो काम करना है आपको, ये रात को सोने से पहले करना है और उसके बाद किसी भी तरह का साबुन फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना है, आपने पहले अपने चेहरे को धो लेना है साबुन, जो भी आप फेस वॉश, जो भी आपकी रूटीन रहती है फेस वॉश जो आप यूज करते हो, उसके बाद आपको इस तरह से लगा लेना और छोड़ देना। अब इसके बाद आपने चेहरा नहीं धोना, बस इसी तरह से आपने लगा करके छोड़ देना, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में, फिर जो भी रूटीन है आप फॉलो कीजिए। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन रहती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, उनको क्या करना है। उनके लिए देखिए, कच्चा दूध एक ऐसी चीज होती है, पोषण से भरपूर होता है, एक बच्चा 6 महीने तक सिर्फ दूध ही पीता है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने लिया जी एलोवेरा जेल, और एलोवेरा के साथ आप इसे यूज करोगे ना, तो एक तो मतलब जैसे अभी मैंने यूज किया, जिन लोगों की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है उनको चिपचिपापन सा महसूस होगा, लेकिन इस तरह से आप यूज करोगे तो आपको चिपचिपापन महसूस भी नहीं होगा और आपको इसके बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो एलोवेरा जेल आपको लेना है 1 चम्मच के करीब, 1 इसमें डाल देना है आपने विटामिन ई का कैप्सूल, मैंने यहाँ पे रेडी कर रखी है, आप देखते रहिए साइड में, और साथ में आपको इसमें 1 चम्मच के करीब डाल लेना है गुलाब जल। गुलाब जल स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, जो आपको एक्स्ट्रा ऑयल आपकी स्किन से निकलता रहता है, स्वेटिंग होती रहती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो उन लोगों के लिए गुलाब जल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ये इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है जी। तो इतना ले लिया आपने, इसके बाद नेक्स्ट आप इसमें लोगे दूध, कच्चा दूध जो कि पोषण से भरपूर है और बहुत अच्छे आपको फायदे मिलते हैं इससे, हर तरह की स्किन टाइप को भी ये सूट करेगा। तो इस तरह से क्रीम बना लीजिए, हफ्ते भर के लिए आप किसी भी डिबिया में इसे स्टोर कर लीजिए, रख लीजिए फ्रिज के अंदर, और जब भी आपको यूज करनी है तो रात को सोने से पहले आपने लेना इस तरह से और अपने चेहरे पे लेना और मसाज करना। मसाज करने से आपकी स्किन यंग और टाइट भी बनी रहती है, जो आपको फाइन लाइन्स रिंकल्स दिखना शुरू हो रहे हैं, आपकी स्किन लटक रही है, तो उसके लिए भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से मसाज करना आपने और छोड़ देना। तो इस तरह से ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताए बहुत सिंपल हैं और बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं, आप ट्राई करना, करवा चौथ आ रही है, आज से रोज आप लगाना शुरू कर दीजिए, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ भाई, आपकी स्किन इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, इतनी ग्लोइंग हो जाएगी, जो दाग धब्बे होंगे, झाइयां, पिगमेंटेशन कुछ भी होगा ना, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे बोलने से ट्राई जरूर कीजिएगा।